हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है लनी जी के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थंबनेल के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान थंबनेल आप लगा सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाता है कि किस के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और साथ ही दोस्तों उसके अंदर आप मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कर सकते हैं कि जब भी कोई आए तो आपका जो है ऐड भी चले अगर आप मोनेटाइजेशन आपके में ऑन है। दूसरी चीज़, आप कार्ट और पोल भी कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, और अपने जो कमेंट आप आ रहे हैं उसमें स्लो मोड कैसे लगाया जाता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके जो पार्ट वन है इस वीडियो का, तो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी मोबाइल से किस तरीके से लाइव गेमिंग स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप यूट्यूब पर। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ये है वो वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और दोस्तों, उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एक ऐप्स है जिसका नाम है यूट्यूब गेमिंग, वो नहीं चल रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उसका भी जो एपीके है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे नए मेहमानों से जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो उनको मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को लर्न इजी को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें बताते हैं आपको किस तरीके से लाइव वीडियो में थंबनेल लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब हमको करना यह है कि हमको अपना जो चैनल है वो क्रोम पे ओपन करना है, और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो उस पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्लिक करना है, अभी तो ये मोबाइल से ओपन है इसलिए मोबाइल व्यू दिखा रहा है, और मोबाइल में यहाँ पर हमें डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है जिससे कि ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरीके से पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर और लैपटॉप में जिस तरीके से ओपन होता है वो हो गया है। अब हमको अपने चैनल आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा होगा क्रिएटर स्टूडियो, उस पर हमें क्लिक करना है, और उसके बाद क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले जाना है चैनल पर, और चैनल पे क्लिक करने के बाद में हमें ये देखना है कि जो हमारा कस्टम थंबनेल का जो फीचर है वो ऑन है कि नहीं है, इनेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कस्टम थंबनेल का फीचर है वो इनेबल है। तो जिनका नया चैनल होता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये इनेबल नहीं होता है नए चैनल में, तो हो सकता है कि थंबनेल लगाने में प्रॉब्लम हो। अब हम लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ही हम सारा प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों को करना है थंबनेल लगाने का। तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो मेरा दूसरा चैनल है, ये लर्न इजी चैनल नहीं है, ये मेरा दूसरा चैनल है, तो अगर मैं इस पर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं तो यहां पर यही थंबनेल आप लोगों को दिखाई देगा। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं, तो मैं यहां पर जो स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और मैं आपको वही स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, यहाँ पर चेंज थंबनेल का, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फाइल पर जाएंगे, और ये जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको हम लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग थंबनेल लिख कर आ रहा है ऊपर की तरफ, और ये देखिए अपलोडेड हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बफरिंग होगी, और ये देखिए हमारा थंबनेल चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन है चेंज थंबनेल का, एक बार मैं फिर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं आपको दूसरा वही वाला पुराना वाला लगा के दिखाता हूँ। तो ऊपर देख सकते हैं कि अपलोडिंग थंबनेल दिखा रहा है, और यहाँ पर आपका थंबनेल फिर से चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी बफरिंग होगी। तो ये आप जो है अगर एक ही गेम का अगर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आप एक ही रहने दीजिए, जब भी लाइव स्ट्रीम करेंगे वही थंबनेल नज़र आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हर लाइव स्ट्रीम से पहले बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, नीचे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इन्फो में तो हम लोग थंबनेल लगाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइटल अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो टाइटल है वो ना लिखें तो बेहतर होगा। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहाँ पर भी आपको टाइटल का और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डालेंगे वही आपका जो है ऐड हो जाएगा अपने आप। तो अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रीम ऑप्शन का, तो यहाँ पर जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ही सेट होता है, और आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कार्ट का, उसमें आप कार्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आप जो है आप पोल ऐड कर सकते हैं कि आप वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, आपकी प्लेलिस्ट है वो कर सकते हैं, चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पोल कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने वीडियो पर आप पोल ऐड करें और लोगों से उसकी राय लें, वोटिंग करवाएं, तो पोल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है
उसके ऊपर कितना जो है वोटिंग हुई है। अब यहाँ पर जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चैट वाला ऑप्शन है उस पर हम कैसे सेटिंग करते हैं। तो चैट में ये होता है कि बहुत तेज़ी से चैट चलती है और आप चाहते हैं कि थोड़ा स्लो चले जिसे आपको पढ़ने में आसानी हो, तो ये चैट का ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए चैट सेटिंग है और यहाँ पर एक सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप चैट को स्लो करने के लिए सेटिंग को बढ़ा सकते हैं। 60 सेकेंड, 100 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप स्लो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप स्लो नहीं करना चाहते हैं तो ये चैट वाला जो ऑप्शन है स्लो चैट वाला उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से एक टिक मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टिक मार्क है इसको हटा देंगे तो स्लो चैट वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक करने के बाद आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, बेसिक इन्फो, स्ट्रीम ऑप्शन और कार्ड। ये पुराना चैनल है, इसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, लेकिन मैं अपने रलनीजी के चैनल पे आपको दिखाऊं तो तीसरा आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन का है। तो मैं मोनेटाइजेशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन पर तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टिक मार्क। अगर आपने टिक मार्क लगा रखा है तो आपके लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड चलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं हटा दूँगा तो ऐड नहीं चलेंगे, तो मैं यहाँ पर लगा के रखता हूँ और जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो में पूरी तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से थंबनेल लगाया जाता है और बाकी चीज़ें होती हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन करूँगा या उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन दोस्तों अभी बात पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइव स्ट्रीमिंग में जो आपको प्रोफेशनल लुक देती हैं, आपकी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियो में बताता रहूँगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो आते रहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।